बैक टू माई YouTube चैनल डी गोट फार्म और उम्मीद है आप सब लोग सही होंगे। आज हम लोग कुछ अपने फार्म के दो अच्छे बकरे दिखाएंगे इंशाल्लाह। वैसे तो सारे बकरे अच्छे हैं, उनमें से बहुत अच्छे बकरे जो है दो दिखाएंगे। ये बकरे देखकर आप लोगों को कुछ याद आएंगे, हमारे लास्ट ईयर के बहुत फेमस हुए बकरे वो याद आएंगे इंशाल्लाह इनकी वीडियो देख के। और सबसे मेन चीज़ ये कि वो जो क्लाइंट है हमारे उन्हीं के बकरे हैं। ये भी बकरे दिखा दो पहले आप लोगों को भाई, और उसके बाद में उसकी हम लोग डिटेल्स पे बात करेंगे और इंशाल्लाह ऐसी और भी वीडियोस लाते रहेंगे। तो पहले बकरे देखें आप। तो ये बकरे गाइस आप लोगों ने देखकर, ये बकरे देखकर कुछ याद आ रहा होगा आप लोगों को, हमारे फार्म के लास्ट ईयर के सबसे फेमस सेलिब्रिटी गोट्स जिनको मैं बोल सकता हूँ हाजी मस्तान, जिनका शूट बहुत अच्छा हुआ था और जो बकरे बहुत अच्छे तैयार हुए थे। ये भी बकरों की उम्मीद है मुझे कि इंशाल्लाह ताला ये भी हाजी मस्तान जैसे बनेंगे। और ये बकरे भी उन्हीं के हैं, वसीम भाई मदनपुरा वाले, उन्हीं के बकरे हैं ये भी। और इंशाल्लाह ताला हम लोगों की उम्मीद है कि ये दोनों बकरे भी हाजी मस्तान की तरह नाम करके बताएंगे इंशाल्लाह इस साल में। ये बकरों की डिटेल्स बताता हूँ मैं, हाजी के लिए बता दूँ। व्हाइट आइस पतीरा है ये, माशाल्लाह मतलब बहुत खूबसूरत है। अभी तो ये नहाया नहीं है, ठंडी का वक्त चल रहा है तो हम लोग ज़्यादा नहला नहीं पा रहे बकरों को, ये नहाया नहीं है इंशाल्लाह इसकी। ये तो ऐसी नॉर्मल एक वीडियो, हम लोगों ने एक ब्लॉग बनाना था तो जब से सोच रहे थे क्या बनाए तो इस पर बनाए इंशाल्लाह। ये लोगों की तैयारी के बाद इनकी जब वीडियो आएगी तो ये ब्लॉग भी आप देखना, और इसके बाद जब इनकी तैयारी के बाद जो वीडियो आएगी वो भी देखना, आप लोगों को खुद पता चल जाएगा कि डी गोट फार्म के काम में क्या फर्क है। दानिश भाई, इससे पहले जो हाजी मस्तान थे वो शायद भराई के थे, राइट? वो भराई के थे, ये माशाल्लाह। ये बकरे उसको भी आगे ला, ये दोनों बकरे वसीम भाई ने बकरा ईद से एग्जैक्ट मतलब बकरा ईद के तुरंत बाद खरीदे थे, और दोनों छः छः दांत, ये तो अभी चार दांत पे है, ये छः दांत पे है माशाल्लाह। और इनकी डिटेल्स आई थी, ये 72 केजी पे था, ठीक है, और ये 68 केजी पे था माशाल्लाह। सेल्फ फीडिंग पे बकरा ईद के बाद से अब तक में इन लोगों में फ़र्क ये आया है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये 93 केजी पे खड़ा है और ये 91 केजी पे खड़ा है माशाल्लाह। भाई देखने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि शायद ये बकरे भी भराई के ही है। भाई ये बकरे जब वसीम भाई ने लाए थे तो उन्होंने मुझे यही बोले थे कि इनको हाजी मस्तान बनाएंगे, भराई करेंगे, बट मेरा इस साल ज़्यादा ध्यान सेल्फ फीडिंग के बकरों पर है। लास्ट ईयर हम लोगों ने भराई के तो माशाल्लाह बहुत बकरे बनाए थे और सेल्फ फीडिंग वाले भी बकरे बहुत तैयार किए थे। इस साल भराई के बकरे मेरे पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो गए और माशाल्लाह इस साल 90% जितने भी बकरे मेरे भराई के हैं उसमें सारे कोटा ही है। तो सोजत वगैरह का हम लोगों ने सोचा कि इस साल हम लोग भराई नहीं करेंगे इनको, सेल्फ फीडिंग पे चैलेंज है मेरा अपने आप से कि ये बकरों को 120, 125, 130 किलो के आसपास सेल्फ फीडिंग पे लेके जाना है इंशाल्लाह। मतलब पिछली बार जो हाजी मस्तान थे वो भराई के आए थे, इस बार जो मस्तान जो थे वो भराई के थे, हाजी का वजन था 140 प्लस और मस्तान का वजन था 135 के जी, तो वो भराई के थे और उनको भी भराई कुछ पूरा साल नहीं हुई थी, इनके लास्ट के 4 से 5 महीने भराई हुई थी उन लोगों को। और इन लोगों को तो मेरी उम्मीद ये है कि मेरे को भराई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह ताला, सेल्फ फीडिंग पे 120 130 किलो के ऊपर बकरे जाएंगे। तो इस बार जो अपने को हाजी मस्तान देखने मिलेंगे वो सेल्फ फीडिंग इंशाल्लाह 130 प्लस दिखेंगे इंशाल्लाह। और भी बकरे हैं वसीम भाई के, ये तो समझो कि दो मुंडे हो गए, इसके अलावा और भी सोजत है, सिरोही है, कोटा है, उनके कोटा बकरे भराई के आएंगे इस साल और इंशाल्लाह वो बकरों से उम्मीद है 150 केजी के आसपास के बकरे आएंगे अल्लाह ने चाहा तो। अभी वो बकरे सब तैयारी पे चढ़ चुके हैं, ये लोगों को इंशाल्लाह ताला मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं सेल्फ फीडिंग पे 140 केजी लेके जाऊँ। ये चैलेंज जो मैंने लिखा हूँ नीचे स्क्रीन पे, ये चैलेंज मेरे लिए है, अपने आप के लिए है, तो उड़ती तीर कोई अपने अपने आप पे ना ले, बराबर है, उड़ती तीर है ना कोई अपने आंग पे नहीं ले कि चैलेंज है ये है वो है, मेरा चैलेंज मेरे से है, मेरे को किसी से कोई वास्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इंशाल्लाह मैं मेरा चैलेंज अपने आप से पूरा करूँगा, इनको 125-130 केजी सेल्फ फीडिंग लेके जाऊँगा। वसीम भाई से भी बात है और मेरे व्यूअर्स से, मेरे क्लाइंट लोगों से भी बात है कि और भी हमारे जो बकरे हैं सेल्फ फीडिंग वाले उनकी भी हम लोग वीडियोस बनाएंगे। अभी हमारे फार्म का काम अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, तो अब हम लोग यूट्यूब पे सारे बकरों की वीडियोस डालना चालू करेंगे, हमारे ब्लॉग बनाना शुरू करेंगे। उम्मीद है आप लोग सब सपोर्ट करेंगे और हमारे चैनल को बहुत अच्छा बड़ा चैनल बनाएंगे।